आज 5 अगस्त 2022 है, बराबर 3 साल हो चुके हैं जब हमारे राइट्स 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली और अनडेमोक्रेटिकली छीने गए। एक डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है कि जो भी अवाम के ऊपर आप डिसीजंस लें, आप उसमें अवाम को साथ लेके चलें। वो जो डिसीजन मेकिंग है वो अवाम पे दारमोदार होनी चाहिए, उनके डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स पे दारमोदार होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर लद्दाख के मसले में ऐसा कुछ नहीं देखा गया। जब 5 अगस्त से पहले हम पूछने लगे कि भाई क्या मसला है, ये एडवाइजरीज जो सर्कुलेट हो रहे हैं, कभी अमरनाथ यात्रा सस्पेंड हो रही है और बाकी जो एडवाइजरी सर्कुलेट हो रही हैं, तो यहाँ जो ये सरकारी अधिकारी हैं ये झूठ बोलते बोलते नहीं थकते थे। उन दिनों कहने लगे आप लोग रूमर्स मत फैलाइए, कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग आराम से घरों में बैठिए, सब ठीक है। जब तक हमारे सारे हुकूक छीने गए और हमने क्या पाया, हमारे फोन बंद, हमारे इंटरनेट बंद, हमारे लोग बंद एक ओपन प्रिजन में, हमारे लीडर्स बंद जेलों में। किसी कश्मीरी, किसी जम्मू के या किसी लद्दाख के भाई की पार्टिसिपेशन नहीं थी उस डिसीजन में। और फिर ये हर जगह डिंडोरा पीटते रहे कि कश्मीरी खुश है। कश्मीरी किस बात से खुश होता कि उसका मुंह बंद कर दिया गया था, उसके हकूक छीन लिए गए थे, उसको एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। आपने जो हमारे साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। वो ह्यूमिलिएशन का एक ऐसा दिन था जो हमें कभी नहीं भूल सकता। वो रात इतनी खौफनाक थी कि मुझे कभी नहीं भूल सकती। किस तरह झूठ पे झूठ बोले गए, एक गवर्नर रखा गया था यहां पे, वो भी झूठ पे झूठ बोल रहा था जी आज तो 370 है, कल का मुझे पता नहीं। कोई मजाक समझ के रखा था आप लोगों ने कश्मीरी अवाम को, जम्मू की अवाम को, लद्दाख की अवाम को? आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी 1954 की अगर आपको 370 हटाना था, लेकिन क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो आप नहीं इसको हटा सकते थे। आपको टेक्निकली पहले वापस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी 1954 की, वो राइट्स देने थे जम्मू कश्मीर लद्दाख को, उसके बाद आप शायद उस के साथ कुछ छेड़खानी कर सकते थे, अमेंडमेंट कर सकते थे जब वो असेंबली वो रेजोल्यूशन पास करती। आपने तो ये इलीगल डिसीजंस लिए, अनडेमोक्रेटिक लिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिए, इसमें कितने लूप होल्स हैं? आप दुनिया में जाके डिफेंड करते हैं उसका मतलब ये नहीं है। हम एक छोटी सी पॉपुलेशन है, आप क्या मैं कहूं, इतनी छोटी पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी कश्मीरियों ने इतने मुश्किल हालात से जो ये बहुत कई सारे साल गुजारे हैं, तकरीबन 30-35 साल, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि हमें यकीन है अल्लाह में और वही हमारी मदद करेगा इंशाल्लाह। हमें जी बड़ी बड़ी बातें कही गई, हमें कहा गया अब नया कश्मीर बनेगा, हमें कहा गया अब जी लाखों लोग नौकरी लगेंगे, हमें कहा गया अब जी आ रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, बड़े बड़े 2-2 हजार करोड़ के मॉल बनेंगे यहाँ, हर कश्मीरी अब करोड़पति अरबपति बनेगा यहाँ। एक काम आप लोग जरा मुझे दिखाएं जो आपने किया है, एक अस्पताल, एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल, एक ब्रिज, किया क्या है आपने? आज आप हमारी सड़कों का हाल देखिए, आपने उन डिसीजन से हमें 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल पीछे लिया है। और उसके ऊपर जो हमारी इंसल्ट हुई फील पूरे कौम को, जम्मू के इंसान को, कश्मीर के इंसान को, लद्दाख के इंसान को, कौमों के साथ इस तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। अगर आप कहते हैं जम्मू कश्मीर इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो फिर आपको ट्रीट भी वैसे ही करना चाहिए था। आपने इतना स्टेप मदरली ट्रीटमेंट दिया और उसके बाद आप बड़े बड़े दावे करते थे कि जो कश्मीर में कभी नहीं हुआ वो अब होगा। हाँ, वो अब हो रहा है जो कश्मीर में कभी नहीं हुआ। बेरोजगारी का फ्लड आ चुका है, गुर्बत का फ्लड आ चुका है, मुसीबतों का फ्लड आ चुका है। आप हमें
पिछले 35 साल से बोल रही है यहाँ 200 मिलिटेंट बचे हैं। अरे कभी तो कहिए 250 है या 150 है, 35 साल से वही बोल रहे हैं बार बार। बस जी 6 महीने में हम सब ठीक कर देंगे। अवाम के साथ जंग नहीं करती है सरकारें, अवाम को बिठाती है, बात करती है, पीसफुल मीन से मसलों को हल करती है। ये आयन फिस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की अवाम के सेंटिमेंट्स को समझे और हमारे राइट्स की बहाली करे। सुप्रीम कोर्ट में भी हम ये केस लड़ रहे हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह कि हमारे हक में ये फैसला आएगा। शुक्रिया।